शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उनकी बहू बनने में सालों लग जाएंगे। दादी माँ, ये आखिर कब तक करण का सहारा लेती रहोगी? अपनी कान और आंख खुली रखो, सपने देखना कम करो, तभी हमारी आवाज सुन पाओगी और समझ पाओगी। वरना ढाक के तीन पात। दादी माँ, अगर बातें हो गई तो रस्म शुरू करें। हाँ, क्यों नहीं? हमने कौन सा विलंब किया है? तो इस गेम के तीन राउंड होंगे। आप दोनों को इस अंगूठी को ढूंढना है। जो जीता पति पत्नी के रिश्ते में उसका ही राज होगा। तो रेडी? वन टू थ्री एंड स्टार्ट। जीतेंगे भाई, जीतेंगे करण भैया, जीतेंगे। काव्या भाभी जीतेगी। Come on, करण भैया, भाभी को जीतने नहीं देना। भाभी, बस एक बार अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर दो, यकीन मानो करण भैया आपको देखते ही हट जाएंगे। भाभी, आप रॉकी भैया की बात मत सुनो, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपको ही जीतना है, मेरे लिए जीतना है। ये ठीक है, द फर्स्ट राउंड के विनर है करण भैया। तो अब सेकंड राउंड, टू थ्री एंड स्टार्ट। ये भाभी 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 गो फॉर इट। ओके, तो अब लास्ट राउंड, वन टू थ्री एंड गो। काव्या भाभी, आपको जीतना ही पड़ेगा। ध्यान से करण, हाँ, काव्या के झांसे में मत आ जाना, क्योंकि काव्या अगर ये गेम जीत गई ना, तो तुम्हें जिंदगी भर जोरों की गुलामी करनी पड़ेगी। जिंदगी भर गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। कोई भी जीते, जश्न हम मनाएंगे। करण हार गए। भाभी, आपने आखिरकार भैया को हरा ही दिया। अब तो जिंदगी भर करण को काव्या की गुलामी करनी पड़ेगी। बहुरानी के घर से लोग आए। रजनी, सामान समेत। ओ 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
नमस्ते 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 दादी जी खुश रहो एक्चुअली काव्य दी का एक सूटकेस घर पर ही छूट गया था हम दोनों बस वही देने आए हमें नहीं लगता इस सूटकेस में कुछ ऐसा मूल्यवान है जो बहू को इस हवेली में ना मिले खैर बद्री अरे आप दोनों खड़े क्यों बैठिए आइए नहीं सर हम तो सिर्फ ये बैग देने आए थे अब हम दोनों चलते हैं अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे अभी अभी तो काव्या भाभी ने करण भैया को हराया है मिठाई खा के जाइएगा हाँ हाँ मिठाई खाकर जाना वो क्या है ना कि हमारे करण से तुम्हारी बहन जीत जो गई है मेरी दी है ही ऐसी वो कभी नहीं हारती सर हम लेट हो रहे हैं अब हम चलते हैं अरे आयुष्मान सत्यनारायण की पूजा शुरू होने वाली है पूजा में बैठ के जाना काव्या को भी अच्छा लगेगा है ना हाँ पूजा का समय हो गया है इस तरह घर आके पूजा में सम्मिलित ना होना हमारे यहाँ अपशगुन माना जाता है ये पूजा करण और काव्या के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हो रही है थोड़ी जिम्मेदारी तो लड़की वालों को भी उठानी चाहिए ना काव्या तुम कलश स्थापना के लिए चौक बनाना शुरू कर दो जी एक्सक्यूज मी कॉल अरे तुम लोग बैठो पत्री काका मुझे हल्दी और आटा चाहिए जी किस लिए चाची जी वो चौक बनाने के लिए लेकिन जितना बोला गया है उतना करो बनाओ बनाओ काव्या जितना बनाओगी उतना ही सब बिगड़ेगा ये क्या हो रहा है दादी माँ वो चौक बनाने के लिए खोल बना रही है चौक इससे नहीं बनता इस हवेली में चौक शुद्ध चंदन से बनता है ना हमारे घर तो आटे और हल्दी से ही चौक बनता है बचपन से मैंने ऐसे ही बनते देखा है यही होता है जब अपनी बराबरी में शादी ना हो तो शाही घरानों में चौक शुद्ध चंदन से बनता है किसी और चीज से बनाने से अपशगुन होता है ये घर का माहौल एकदम सही हो गया है एक ड्रामा खत्म तो दूसरा शुरू अभी तक तो दरवाजे की घंटी बजानी चाहिए थी कुंवर जी आपसे कुछ लोग मिलने आए
करण प्रताप सिंह जी। देखिए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, ये एक आईटी रेड है, आपके इस प्रेमिसेस के सर्च वारंट है हमारे पास। सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई भी घर से बाहर ना जाने पाए। बहुत बढ़िया भानु, मजा आएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आप सब लोगों का आईडी कार्ड देख सकता हूं? ये सर्च वारंट। ऑफिसर, आप जहां खड़े हैं वो ग्वालियर की किसी सड़क का फुटपाथ नहीं जो टहलते हुए अंदर चले आए। ये भवानी प्रताप सिंह की हवेली है, यहां अंदर कदम रखने से पहले हमारी आज्ञा लेनी पड़ती है। राजीमा, इनके पास सर्च वारंट का ऑर्डर है, जितना जल्दी हम इनको अपना काम करने देंगे उतना जल्दी ये लोग यहाँ से जाएंगे। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।